हे गाइस, वेलकम टू साइबर किंग। और इस वीडियो में आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूँ एक MIUI 11 का थीम जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप जरूर से इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। इस थीम में आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप और भी बहुत सारी चीज़ों का मॉड्यूल्स मिलता है, जिससे आपका जो यूट्यूब है उसका कलर चेंज हो जाता है, व्हाट्सएप के कलर चेंज हो जाता है, साथ ही गैलरी का भी कलर चेंज हो जाता है। तो वीडियो में बने रहे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस थीम का नाम थोड़ा अजीब है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके इसको डाउनलोड इजिली कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक नॉन थर्ड पार्टी थीम है, मतलब आपको ये थीम प्ले स्टोर पे ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं थीम को अप्लाई करके आपको कुछ जनरल चेंजेस दिखाता हूँ, फिर आपको मैं यूट्यूब आपको कैसा देखने को मिलता है और व्हाट्सअप इसमें कैसा देखने को मिलता है, इस सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो थीम अप्लाई हो चुका है और सबसे पहला जो चेंज अगर आपने नोटिस करी होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, जो नेविगेशन बटन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत हो गया, देख सकते हैं गाइज। तो चलिए अब होम स्क्रीन पर चलते हैं और होम स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूं और वहां पे आपको होम स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आपको होम स्क्रीन कैसे देखने को मिल जाता है इसमें। तो गाइज, आपको होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है गाइज, और जो आइकन से वो बैकग्राउंड के साथ पूरा मैच करते हैं। आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं डेट और टाइम दिया हुआ है। और लॉक स्क्रीन की अगर बात किया जाए तो लॉक स्क्रीन आपको बिल्कुल सिंपल सा मिल जाता है और यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम डायलर पैड की बात करें तो डायलर पैड काफी ही ज्यादा कूल इसमें देखने को मिलता है आपको। देखिए गाइस, जरूर से आपको ये पसंद आएगा थीम, मेरे को पता है। उसके साथ ही अगर हम सेटिंग में जाए तो आपको सेटिंग भी बिल्कुल चेंज देखने को मिल जाता है, देखिए आप यहाँ पे, और जो आइकन से वो बिल्कुल मैच करते हैं बैकग्राउंड के साथ, और सारा जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर का है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। साथ में अगर नोटिफिकेशन शेड की बात किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन शेड ऐसा देखने को मिलता है और उसमें जो क्विक टॉगल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिंक कलर में मिलता है, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा मिनिमल और मतलब कूल लगता है, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। गाइज, अगर यूट्यूब की बात किया जाए तो यूट्यूब भी इसमें बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है और यूट्यूब का कलर पिंक में हो जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है और पूरे थीम के साथ मैच करता है। और नीचे अगर यहाँ पे देखें तो होम का आइकन चेंज हो चुका है, ट्रेंडिंग वीडियोस का भी आइकन, सब्सक्रिप्शन और इनबॉक्स सब कुछ बिल्कुल चेंज हो चुका है और देखने में काफ़ी ही ज़्यादा कूल लगने लगा है अब अपना ये यूट्यूब। ऊपर भी देख सकते हैं यूट्यूब का आइकन चेंज हो गया है और यहाँ पे सर्च बार भी चेंज हो चुका है। और मैं अगर एक वीडियो प्ले करता हूँ आपको तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का भी कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और सब्सक्राइब का भी कलर बिल्कुल पिंक में हो चुका है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अगला जो चेंज है वो आपको क्रोम ब्राउजर में देखने को मिल जाता है और क्रोम ब्राउजर में आपको भी पिंकिश कलर का टेक्सचर देखने को मिल जाता है और ये भी आपको पिंक कलर में काफी ज्यादा कूल लगता है, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। तो ये थीम काफी ज्यादा कूल है। अगर नेक्स्ट चेंज की बात अगर किया जाए तो नोट पैड भी आपको बिल्कुल पिंक में देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा कूल लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आइकन्स भी आपको काफी ज्यादा कूल देखने को मिल जाते हैं इस थीम में, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर व्हाट्सएप की बात किया जाए तो आपका व्हाट्सएप भी पिंक कलर में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है देखने में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये थीम आप जरूर से ट्राई करें और ये थीम काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप गैलरी ऐप में जाते हैं तो आपको गैलरी ऐप में भी आपको फुल्ली चेंज मिलता है और ये भी आपको पिंक में देखने को मिल जाता है,
जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये थीम आप जरूर से ट्राई करें और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप ट्राई करके खुद फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी थीम दोबारा लाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लें इस थीम को, ठीक है।